गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने डिस्कस किया था आंवले की खेती के बारे में। आज नए सेशन में हम डिस्कस करेंगे खजूर की खेती, द कल्टीवेशन ऑफ डेट पाम। स्टूडेंट्स, खजूर अपने राजस्थान की क्लाइमेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फल है, क्योंकि राजस्थान की जो क्लाइमेट है वो खजूर के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, उसके पीछे एक रीज़न है कि जो खजूर है वो शुष्क खेती और अधिक तापमान को सहन करने वाली फसल है, ठीक है, या फल है। बात करते हैं इसके सामान्य परिचय के बारे में। देखो, इसका वैज्ञानिक नाम होता है फिनिक्स डक्टाइलिफेरा। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फिनिक्स डक्टाइलिफेरा, डक्टाइलिफेरा वैज्ञानिक नाम होता है खजूर का, फिनिक्स डक्टाइलिफेरा। इसका कुल होता है पामी या एरिकेसी भी बोलते हैं, पामी या एरिकेसी, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थल है मिस्र देश, इजिप्त। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 36 होती है इसमें, 36, 2n इक्वल टू 36। खाए जाने वाला भाग फल भित्ती, खाए जाने वाला भाग है फल भित्ती, जिसको पेरिकार्प बोलते हैं। बाहर का जो आवरण है वो इसका खाया जाता है। फल का प्रकार अस्टिल रहेगा, जिसको इंग्लिश में ड्रूप कहा जाता है, अस्टिल, ड्रूप। पुष्प क्रम, इसके पुष्प क्रम को स्पेडिक्स बोलते हैं, ध्यान रहे, इसके पुष्प क्रम को स्पेडिक्स कहा जाता है, स्पेडिक्स। इसका उपयोग, देखो, इसका उपयोग तीन प्रकार से करते हैं। पहला, ताजे फलों के रूप में, ताजे फलों के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा, छुआरा बनाने में, और तीसरा, पिंड खजूर बनाने में या पिंड खजूर के रूप में। देखो, इसका उपयोग तीन प्रकार से करते हैं। ताजे फलों के रूप में करते हैं, छुआरा बनाने में, इसको सुखाकर छुआरा बनाया जाता है, पिंड खजूर, जो पिंड अवस्था होती है उस पर इसको काट के पिंड खजूर बनाया जाता है। बात करते हैं इसके उत्पादन की। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन इसका मिस्र में होता है, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, जो इसका उत्पत्ति स्थल है, ध्यान रखना, इसका उत्पत्ति स्थल खाड़ी देश इराक है, उत्पत्ति स्थल खाड़ी देश इराक, उत्पत्ति स्थल इसका इराक है। उत्पादन की बात करें तो देखो, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन इसका मिस्र में होता है, मिस्र देश, जिसको इजिप्त बोलते हैं। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मिस्र में। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात में, भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर में होता है, क्लियर। देखो इसमें क्या होगा, वैज्ञानिक नाम फिनिक्स डक्टाइलिफेरा, पामी या एरिकेसी इसका कुल होगा, उत्पत्ति स्थल खाड़ी देश इराक होगा, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 36 होगी, खाए जाने वाला भाग फल भित्ती, पेरिकार मतलब जो बाह्य आवरण होता है उसको खाते हैं, फल का प्रकार अस्टिल या ड्रुप होता है, पुष्प क्रम इसका स्पेडिक्स कहलाता है, स्पेडिक्स बोलते हैं इसके पुष्प क्रम को, ठीक है। उपयोग इसका तीन प्रकार से करते हैं अपन, ताजे फलों के रूप में इसके उपयोग करते हैं, छुआरा बनाने में इसका उपयोग करते हैं, और पिंड खजूर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। बात करें उत्पादन की तो इसमें जो उत्पादन होता है वो विश्व में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन मिस्र देश में होता है, जिसको इजिप्त बोलते हैं, ठीक है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। देखो गुजरात में क्या ध्यान रखना है, गुजरात में जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? कच्छ के रण क्षेत्र में। गुजरात का जो कच्छ का रण क्षेत्र है, कच्छ का रण क्षेत्र है, वहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्योंकि कच्छ के रण क्षेत्र में वहां पर पानी की उपलब्धता भी ज्यादा है और उसमें वहां पर तापमान भी ज्यादा रहता है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर में होता है, ठीक है। अपने जो बीकानेर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, SKRAU, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें भी खजूर का एक बड़ा उद्यान लगाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं
इसके जलवायु की, किस प्रकार की जलवायु में ये आसानी से उग सकता है? जलवायु देखो, इसके लिए जलवायु जो होती है वो शुष्क व उष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। शुष्क व उष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। शुष्क व उष्ण जलवायु मतलब जहां जिन क्षेत्रों में तापमान बहुत ज्यादा रहता है। देखो इसके लिए जो तापमान की रेंज है वो 5 से 55 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर सकता है ये, ज्यादा से ज्यादा 55 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर सकता है। लेकिन पूछा जाए कि आवश्यक या उपयुक्त तापमान कौन सा है, तो वो आपको लिखना है 25 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान इसकी वृद्धि विकास, फलों के विकास आदि के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, बात करें इसकी मृदा की, मृदा तो मृदा में गहरी रेतीली, गहरी व रेतीली बलुई दोमट मृदा, रेतीली बलुई दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है। कौन सी मृदा? गहरी व रेतीली बलुई दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है। पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान 8 से 10 पीएच तक इसको उगाया जा सकता है। देखो ये जो खजूर का पौधा होता है वो क्षारीय भूमि में भी इसको उगा सकते हैं, क्षारीय मृदा में भी इसको उगाया जा सकता है। तो इसका जो पीएच मान है वैसे भी 6.5 से स्टार्ट होता है, 6.5 से 10 लिख सकते हैं अपन। 8 से 10 जो पीएच मान वाली क्षारीय मृदाएं उनमें आसानी से इसको उगा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी किस्मों की, तो देखो इसकी किस्में उपयोग के आधार पर अलग अलग भागों में बांटी गई है। 5 प्रकार दिए हुए, कौन सी किस्म किस प्रकार काम में आती है वो दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट हेडिंग है किस्में, वेराइटीज। ठीक है, किस्में 5 प्रकार से उपयोग के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया, अलग अलग श्रेणी की अलग अलग किस्में दी गई है। कई 2 श्रेणियों में समान किस्में भी है। ठीक है, जैसे अपन बात करें ताजे फल के रूप में मुलायम फल वाली, ठीक है, जिससे पिंड खजूर बनाया जाता है, छुहारा बनाने में, ठीक है, प्रसंस्करण उद्योग में कौन कौन सी किस्में काम में ली जाती है, और नर मंजरी मतलब जो परागकण करवाने के लिए अलग से अपन नर पौधे लगाते हैं उसके लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त है। तो अपन पहली बात करें ताजे फलों के रूप में, ताजे फलों के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश फ्रूट, ताजे फलों के रूप में कौन कौन सी किस्मों को उगाया जाता है। देखो इसमें 3-4 किस्में, हलावी, खुनेजी, बरही, कलास। हलावी, खुनेजी, बरही, कलास, 4 किस्में हैं जिनको ताजे फलों के रूप में खाया जाता है, हलावी, खुनेजी, बरही और खलास। देखो इन किस्मों का जो TSS होता है वो TSS यानी मिठास, TSS रहना चाहिए इसमें 25 से 45%। कितना TSS रहना चाहिए? 25 से 45% TSS रहना चाहिए जिन किस्मों को अपन ताजे फल के रूप में काम में लेते हैं। दूसरी किस्में मुलायम किस्में, दूसरी प्रकार की कौन सी किस्में? मुलायम किस्में। देखो जो मुलायम किस्में होती है जिनका आवरण मुलायम होता है, बाहर से मुलायम होता है, उनसे पिंड खजूर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पिंड खजूर। पिंड खजूर बनाने के लिए उपयुक्त किस्में कौन कौन सी है इसमें? देखो जाहदी, हलावी, जागलूल, खदरावी। जाहदी, हलावी, जागलूल, खदरावी, ये जो किस्में हैं इसकी, इन किस्मों का उपयोग पिंड खजूर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सुखाकर या छुआरा बनाने में, सुखाकर या छुआरा बनाने के लिए उपयुक्त किस्में कौन कौन सी ऐसी किस्में? देखो इसमें 3 किस्में हैं, जाहदी, मेडजूल, शामरान। जाहदी,
मेडजूल, स्यामरान, ये तीन ऐसी इस प्रकार की किस्में हैं जिनसे अपन छुआरा बनाने के लिए इनको काम में लिया जाता है। ध्यान रखना है अलग अलग उपयोग के आधार पर अलग अलग प्रकार की किस्में हैं। अगली बात करें, चौथा पॉइंट है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण के लिए, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग। कोई अनेक उत्पाद जो बनाए जाते हैं पिंड खजूर से या खजूर से, जो अनेक उत्पाद प्रसंस्करण उत्पाद बनाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनके लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त हैं? उनके लिए है हियानी, सूर्या, जामली, सगाई। हियानी, सूर्या, जामली, सगाई, ये किस्में हैं जिनको प्रसंस्करण उद्योगों में प्रसंस्करण हेतु काम में लिया जाता है। पांचवा प्रकार है नर मंजरी हेतु। ध्यान रखना है इस प्रकार की जो किस्में हैं उनमें केवल नर फूल पाए जाते हैं, ठीक है, परागण हेतु काम में ली जाती है। इनका उपयोग क्या होता है? परागण हेतु इनको उगाया जाता है, परागण करवाने के लिए। तीन किस्में कौन कौन सी किस्में हैं? देखो, घनाभी, घनाभी, दूसरी किस्म है इसकी मधसरी, तीसरी है आलन सीटी। समझ गए? ये जो किस्में है तीनों, घनाभी, मधसरी, आलन सीटी, ये किस्में नर मंजरी हेतु मतलब परागण के लिए जो नर पौधे उगाते हैं उनमें काम में ली जाती है। क्लियर? ये थी इसकी किस्में। देखो दोबारा रिवाइज करता हूं मैं। ताजे फलों के रूप में हलावी, खुनेजी, बरही, खलास, देखो विशेष अलग प्रकार के नाम है इसके। मुलायम किस्में जिनको पिंड खजूर के रूप में काम में लिया जाता है, जाहदी, हलावी, जागलूल, खजरावी, ये किस्मों के नाम है जो पिंड खजूर के रूप में काम में ली जाती है। तीसरा प्रकार है सुखाकर या छुआरा बनाने में काम में ली जाने वाली, जाहदी, मेडजूल, स्यामरान, ये किस्में सुखाकर या छुआरा बनाने के लिए काम में ली जाती है। प्रसंस्करण उद्योग के लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त हैं? हियानी, सूर्या, जामली, सगाई, ठीक है। फिर नर मंजरी मतलब नर परागण हेतु जो नर काम में लिए जाते हैं उसके लिए घनाभी, मधसरी और आलन सिटी, ये किस्में उपयुक्त मानी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इसका है प्रवर्धन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवर्धन। प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? एक विशेष प्रकार के सकर्स होते हैं जिनको ऑफशूट बोला जाता है, उनके द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। जैसे अपन सकर्स की बात करें तो सकर्स द्वारा प्रवर्धन केले में था, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? प्रवर्धन, प्रवर्धन होता है अंतःभूस्तारी, ये याद रखो तो ठीक है, नहीं आपको इतना ही ध्यान रखना है ऑफशूट किसके द्वारा होता है? ऑफशूट के द्वारा। इसका प्रवर्धन, खजूर का प्रवर्धन करने के लिए ऑफशूट को काम में लिया जाता है। देखो ऑफशूट एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, कम से कम इसका जो वजन होना चाहिए कम से कम 6 किलो वजन होना चाहिए ऑफशूट का। औसत वजन जो देखा जाए वो 8 से 12 किलो के लगभग रखा जाता है औसत वजन, लेकिन कम से कम इस ऑफशूट का वजन कितना रखना चाहिए? 6 किलो, ठीक है। ये था इसका प्रवर्धन। ध्यान रखना है इसका जब बगीचा लगाते हैं अपन तो नर और मादा का अनुपात 1:10 रखते हैं, 1:10। जैसे अपन ने पपीता में मैंने बताया था कि नर और मादा का अनुपात 1:10 या मादा और नर का अनुपात 10:1 रखा जाता है, उसी प्रकार खजूर में भी अपन ध्यान में रखेंगे नर और मादा का जो अनुपात होगा, नर पौधे और मादा पौधे का अनुपात होगा 1:10, या मादा और नर की बात की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? 10:1 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इसमें प्रवर्धन कि आजकल वर्तमान में टिश्यू कल्चर जो उत्तक संवर्धन विधि है, उत्तक संवर्धन विधि, इसके द्वारा भी इसके नए पौधे तैयार किए जाते हैं। टिश्यू कल्चर जिसको बोलते हैं, टिश्यू कल्चर,
देखो उत्तक संवर्धन विधि में क्या क्या होता है, एक उत्तक को काम में लिया जाता है, एक छोटा सा टुकड़ा काम में लेते हैं पौधे का, उस छोटे से टुकड़े को पोषक तत्व युक्त माध्यम में रखा जाता है और उसको उचित वातावरण दिया जाता है, जिससे क्या होगा वो ग्रोथ करेगा, अपनी वृद्धि करेगा और अपने समान ही नया पौधा तैयार कर लेगा। उस तकनीक को अपन उत्तक संवर्धन तकनीक बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसका प्रवर्धन कायकीय, जी देखो इसमें अलैंगिक प्रवर्धन का प्रकार ही है, अलैंगिक प्रवर्धन होता है इसमें। कौन से प्रकार का होता है? अलैंगिक प्रवर्धन बीज द्वारा भी होता है, कोई ये नहीं कह सकता बीज द्वारा नहीं होता, बीज द्वारा भी होता है। लेकिन देखो बीज द्वारा यदि जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनमें फलन कम होता है, फलों का उत्पादन कम होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं अंतःभूस्तारी का उपयोग करके, मतलब ऑफ शूट का उपयोग करके अपन इसका प्रवर्धन करते हैं। कम से कम वजन 6 किलो होना चाहिए, नर और मादा का जो अनुपात होता है वो 1:10 रखते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा भी इसके नए पौधे तैयार किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें पौधरोपण की विधि, प्लांटिंग मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांटिंग मेथड, पौध रोपण की विधि, पौध रोपण की विधि प्लांटिंग मेथड। देखो प्लांटिंग मेथड में अपन 3-4 चीजें डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं, जून के महीने में, कब? जून के महीने में 1 x 1 x 1 मीटर आकार के गड्ढे खोदेंगे। गड्ढों का आकार है ये, लिख लेना गड्ढों का आकार। जून के महीने में 1 x 1 x 1 मीटर आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं। कितनी दूरी पर खोदे जाते हैं? देखो P x P कितनी रखी जाती है, P x P 8 x 8 मीटर रखी जाती है। मतलब गड्ढे की दूरी जो रहेगी वो भी 8 x 8 मीटर रहेगी। पौधरोपण का जो समय होगा जुलाई अगस्त, कब लगाए जाते हैं पौधे? जुलाई अगस्त, मतलब जो वर्षा ऋतु होती है उस समय इसके पौधे लगाए जाते हैं। क्लियर। गड्ढों का आकार रहेगा 1 x 1 x 1 मीटर। खोदते कब है गड्ढे? जून के महीने में खोदते हैं, एक महीने के लगभग ये पड़े रहते हैं, फिर जुलाई अगस्त में इनमें पौधे लगाते हैं। प्रति गड्ढा कितने खाद हैं उर्वरक मिलाते हैं? प्रति गड्ढा जो खाद हैं उर्वरक की मात्रा मिलाई जाती है वो मिलाई जाती है 25 किलो FIM। कितनी मिलाई जाती है? 25 किलो FIM, 200 ग्राम सुपर फास्फेट जो फास्फोरस पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है, 25 किलो FIM, 200 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास। MOP का मतलब क्या होता है? म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसमें मैंने बताया था कि 60% पोटेशियम होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं इसको। ठीक है, फिर है 50 ग्राम क्यूनालफोस मिलाएंगे इसमें, 50 ग्राम क्यूनालफोस का चूर्ण मिलाएंगे। क्यूनालफोस क्या है? एक कीटनाशी है। देखो क्या करना है, पौधरोपण की विधि में अपने को 4-5 चीजें ध्यान में रखनी है कि गड्ढे कब खोदे जाते हैं, जून के महीने में गड्ढे खोदे जाते हैं, किस आकार के, 1 x 1 x 1 मीटर आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं। ठीक है, बात करें इसके पौधे से पौधे की दूरी की, पौधे से पौधे की दूरी इसमें 8 x 8 मीटर रखी जाती है। पौधे लगाने का जो समय होता है वो जुलाई अगस्त होता है, यानी वर्षा ऋतु होता है। प्रति गड्ढा जब अपन पौधे लगाते हैं उससे पहले गड्ढे को भरा जाता है। कैसे भरते हैं? प्रति गड्ढा 25 किलो गोबर की खाद, FIM का मतलब होता है गोबर की खाद, गोबर की खाद FIM 25 किलो डाली जाती है। 200 ग्राम उसमें मिलाते हैं सुपर फास्फेट जो फास्फोरस उपलब्ध करवाता है, 50 ग्राम इसमें MOP मिलाते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास, 50 ग्राम इसमें क्यूनालफोस चूर्ण मिलाते हैं। क्यूनालफोस चूर्ण मतलब जो कीटनाशी है, एक भूमिगत कीटों के नियंत्रण के लिए काम में लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा सिंचाई, नेक्स्ट हेडिंग है सिंचाई। देखो क्या रहेगा सिंचाई में, सिंचाई इंग्लिश में बोलते हैं इरिगेशन। सिंचाई, सिंचाई में क्या होगा कि सिंचाई जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। क्यों? इसके बारे में एक कहावत है। देखो कहावत क्या है,
सिर पर आग व पैरों में पानी। ये एक विशेष कहावत प्रचलित है खजूर के बारे में। कौन सी? सिर पर आग व पांव में पानी या पैरों में पानी। पांव में लिख लो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पांव में पानी, हेड ऑन फायर एंड फिट इन वॉटर, ये कहावत है। देखो इसमें ऊपर का जो पौधा है, जब फलन होता है, जब पुष्पन होता है, उस टाइम में इसको आग की तरह गर्मी चाहिए, बहुत ज्यादा तपन होनी चाहिए, और लेकिन उसके साथ साथ में जो जड़ें हैं वहां पर पानी की मात्रा भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना है सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, ध्यान रखना है। गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म दिनों में एक महीने में चार बार यानी सात दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। शीत ऋतु में यानी सर्दी के दिनों में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। ध्यान रखा जाता है इसमें सिर पर आग, पांव में पानी, हेड ऑन फायर एंड फिट इन वॉटर, ये कहावत प्रचलित है। इसका तात्पर्य ये है कि इसकी वृद्धि के लिए जो ऊपर का पौधा है उस पर तो आग की तरह तपन मतलब अधिक तापमान चाहिए, लेकिन पांव में पानी मतलब पैरों में यानी जड़ों के अंदर बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए अपन कहते हैं कि इसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ग्रीष्मकालीन दिनों में 7 दिन के अंतराल पर इसमें सिंचाई करते हैं। शीतकालीन दिनों में 15 दिन के अंतराल पर इसमें सिंचाई की जाती है। देखो सिंचाई करने की विधि कौन सी काम में लेते हैं, सिंचाई करने की विधि काम में ली जाती है बूंद बूंद सिंचाई विधि उपयुक्त मानी जाती है। अपने राजस्थान में बूंद बूंद सिंचाई विधि काम में लेते हैं खजूर की खेती के लिए, बूंद बूंद सिंचाई विधि। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना खाद एवं उर्वरक। कौन सा टॉपिक रहेगा? खाद एवं उर्वरक। देखो खाद एवं उर्वरक किस प्रकार इसमें आवश्यक होता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। खाद एवं उर्वरक किस प्रकार आवश्यक होता है? देखो खाद एवं उर्वरक जो अपन लिख रहे हैं वो प्रति पौधा के हिसाब से लिख रहे हैं। एक पौधे में कितना खाद एवं उर्वरक डालेंगे प्रति पौधा में जो आवश्यक मात्रा होगी, देखो इसमें 30 से 40 FIM की मात्रा चाहिए, 30 से 40 किलो। कितनी चाहिए? 30 से 40 किलो मात्रा FIM मतलब गोबर की खाद की चाहिए। नाइट्रोजन इसमें चाहिए 600 ग्राम, फॉस्फोरस चाहिए 100 ग्राम, पोटेशियम चाहिए 700 ग्राम। ये जो मात्रा है वो प्रति पौधा दी जाती है, ये जो मात्रा है वो प्रति पौधा दी जाती है। प्रति पौधा मात्रा देंगे FIM की 30 से 40 किलो, नाइट्रोजन देंगे 600 ग्राम, फास्फोरस देंगे 100 ग्राम, पोटेशियम देंगे 700 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है फलन या इसके फलन और पुष्पन, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। पुष्पन व फलन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। देखो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग में क्या होगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लिखना है कि खजूर एक प्रोटोएंड्री फसल है। खजूर एक प्रोटोएंड्री फल है, प्रोटोएंड्री
फल है। देखो प्रोटोएंड्री का तात्पर्य क्या होता है, देखो कोई भी पुष्प है, कोई भी पुष्प में दो प्रकार के जननांग होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। देखो ये मादा जननांग का भाग है वर्तिकाग्र वगैरह, यहां से यहां पर परागकोश होते हैं, ऊपर परागकणों का निर्माण होता है, ये मादा का भाग है, ये जो है वो नर का भाग है, नर जननांग का भाग है। जब किसी पुष्प में या जब किसी पौधे में नर जननांगों का विकास पहले होता है, ध्यान से सुनना, जब किसी पौधे में नर जननांगों का विकास पहले होता है उस पौधे को या उस अवस्था को प्रोटोएंड्री कहा जाता है। नर का विकास पहले होगा यानी कि अपन बात करें पुंकेसर जो होंगे वो पहले परिपक्व हो जाएंगे और जो मादा का जननांग है जैसे वर्तिकाग्र वगैरह है वो बाद में विकसित होते हैं। तो प्रोटोएंड्री किसको बोलेंगे, जिसमें नर जननांगों का विकास पहले होता है उसको प्रोटोएंड्री कहा जाता है। ठीक है, एक इसके विपरीत होता है प्रोटोगाइनी। क्या होता है प्रोटोगाइनी, देखो प्रोटोगाइनी क्या होता है वो भी समझ लेना। ये पूछा जाता है जेट आईसीआर के एग्जाम में, निम्न में से प्रोटोएंड्री का उदाहरण है, खजूर दे देंगे एक और बाकी तीन फल दे देंगे तो उसमें खजूर होगा। ठीक है, देखो प्रोटोगाइनी का मतलब होता है कि जब किसी फल के पुष्प में मादा जननांगों का विकास पहले होता है, मादा जननांगों का विकास पहले होता है, मादा जननांगों का विकास यदि पहले हो रहा है इसका तात्पर्य यह है कि उसको अपन प्रोटोगाइनी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, उस अवस्था को प्रोटोगाइनी बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी दो एक विशेष प्रकार की अवस्थाएं हैं। प्रोटोएंड्री में अपन कहते हैं कि जब नर जननांगों का विकास पहले होता है उस अवस्था को प्रोटोएंड्री कहा जाता है, उसमें कौन सा आता है, खजूर का पौधा आता है। प्रोटोगाइनी जब मादा जननांगों का विकास हो जाएगा उसको प्रोटोगाइनी बोलेंगे। क्लियर, तो ये अपन ध्यान में रखते हैं कि ये प्रोटोएंड्री फल है जिसमें नर जननांग, देखो इसमें वापस खजूर के ऊपर आते हैं, ये समझ लिया प्रोटोएंड्री फल है। इसका मतलब क्या होगा, नर जननांग पहले परिपक्व होंगे। देखो नर जननांग पहले परिपक्व हो गए, इसका मतलब पुंकेसर पहले परिपक्व हो गए, मादा जननांग बाद में परिपक्व होते हैं। तो नर जननांगों से पुंकेसर एकत्रित करते हैं अपन, क्या करते हैं पुंकेसर एकत्रित करते हैं, पुंकेसर किसी अखबार में एकत्रित कर लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही कुछ दिनों बाद मादा जननांग विकसित होते हैं, कुछ दिनों बाद मादा जननांग विकसित होते हैं तो मादा जननांगों के ऊपर रुई के पोहे या डस्टर मशीन, किसके द्वारा, रुई के पोहे या डस्टर मशीन, छोटी सी मशीन आती है जिसमें पराग कणों को डाल के डस्ट की फॉर्म में उसको स्प्रे कर दिया जाता है, डस्टिंग कर दी जाती है, जिससे वो क्या करते हैं मादा के जननांगों में पहुंच जाते हैं और निषेचन की क्रिया के उपरांत फल का विकास प्रारंभ कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसमें देखो परागण किसके द्वारा करवाया जाता है, ये भी पूछा जाता है कि खजूर में परागण किसके द्वारा करवाया जाता है, हाथों के द्वारा, किसके द्वारा करवाया जाता है, हाथों के द्वारा, बाय हैंड। ठीक है, हाथों के द्वारा करवाते हैं, कैसे करवाते हैं मैंने बता दिया, दोबारा रिवाइज करते हैं। प्रोटो एंट्री फल है खजूर, एक प्रोटो एंट्री फल है, इसका तात्पर्य यह है कि खजूर के नर जननांगों अर्थात पुंकेसर का निर्माण पहले होता है, पुंकेसर यदि निर्मित पहले हो गया तो अपन क्या करते हैं कि पुंकेसर फूलों से अपन जो नर फूल है पुंकेसर जहां पर निर्माण हो गया उनको एकत्रित करेंगे और एक जगह उनको इकट्ठा कर लेंगे। कुछ दिनों बाद क्या होगा, मादा जननांग विकसित होंगे, तो मादा जननांग जैसे ही विकसित हुए तो उन जो पुंकेसर अपन ने एकत्रित किए थे उनको रुई के पोहे से उन फूलों पर डाल देंगे एक एक करके, या डस्टर मशीन आती है उसके अंदर उनको डाल दिया, ठीक है, और उनका स्प्रे कर दिया। तो ध्यान रखना है हाथों द्वारा जो परागण किसमें करवाया जाता है, खजूर में करवाया जाता है। ठीक है, अब इसी टॉपिक में अपन बात करते हैं कि इसमें जो फल विकास होता है, देखो निषेचन हो गया, मान लो
अपन ने हाथ द्वारा परागण करवा दिया, निषेचन हो गया, तो फल विकास की भी इसमें चार अवस्थाएं होती है। अलग से लिखना इसमें फल विकास की चार अवस्थाएं होती है, इंपॉर्टेंट है। फल विकास की चार अवस्थाएं होती है। देखो पहली अवस्था कौन सी है, गंडोरा अवस्था। कौन सी अवस्था है, गंडोरा अवस्था। इस अवस्था को कीमरी भी कहा जाता है। पहली अवस्था है गंडोरा अवस्था, कीमरी। दूसरी अवस्था है पिंड अवस्था। पिंड अवस्था, पिंड अवस्था को अपन खलल भी बोलते हैं, पिंड अवस्था को खलल भी कहा जाता है। तीसरी अवस्था है डेंग अवस्था, डेंग अवस्था। डेंग अवस्था को अपन रुतब भी कहते हैं, रुतब, ठीक है। और चौथी अवस्था रहेगी, वो रहेगी, सॉरी दूसरी अवस्था डोका अवस्था रहेगी, और चौथी अवस्था रहेगी पिंड अवस्था। और पिंड अवस्था को अपन बोलते हैं तमर। फल विकास की चार अवस्थाएं हैं। पूछा जाता है निम्न में से खजूर के फल विकास की अवस्था है, कोई एक अवस्था इनमें से दे देगा, तीन दूसरे तीसरे तीन अलग अलग नाम दे देगा, उससे क्या होगा कि अपने को पहचानना है फल विकास की खजूर में कौन सी अवस्था है। देखो पहली अवस्था गंडोरा अवस्था, ये जिस क्रम में मैंने लिखी है उसी क्रम में आती है। फल विकास पहले गंडोरा अवस्था आती है, फिर डोका अवस्था, फिर डेंग अवस्था, फिर पिंड अवस्था आती है। देखो गंडोरा अवस्था में क्या होता है, फल कच्चे व कठोर रहते हैं, फल फल कच्चे व फल कच्चे हरे रंग के रहेंगे, कच्चे व कच्चे हरे व कठोर होते हैं। क्या होता है, फल का विकास हो रहा है, सबसे प्रारंभ की अवस्था है, कीमरी भी कहते हैं, फल कच्चे और हरे रहेंगे और कठोर रहेंगे। दूसरी जो अवस्था है उसमें फल पूर्ण विकसित हो जाएंगे, पूर्ण विकसित हो जाएगा, उनका आकार निश्चित हो जाएगा तथा उसमें ठोस पीले या लाल रंग का निर्माण हो जाएगा। ठोस पीले व लाल रंग, ठोस पीले या लाल रंग के हो जाते हैं फल, किस आकार के हो जाते हैं, डोका अवस्था में पूर्ण विकसित हो जाते हैं, ठोस पीले या लाल रंग के फल हो जाते हैं। तीसरी अपन बात करें डेग या रुतब अवस्था, इसमें फलों का जो शीर्ष भाग होता है वो मुलायम होना स्टार्ट होता है, फलों का शीर्ष भाग मुलायम हो जाता है, जो फलों का आगे का भाग है शीर्ष भाग, ठीक है, वो मुलायम होना स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट जो अवस्था है पिंड अवस्था, जिसको तमर भी बोला जाता है, इसमें पूर्णतया मुलायम हो जाता है फल, इसको बोलते हैं पूर्णतया मुलायम अवस्था, पूर्णतः मुलायम अवस्था। देखो फल विकास, पहले अपन ने पुष्पन के बारे में पढ़ लिया कि पुष्पन मतलब प्रोटोएंड्री फल है, ठीक है। नर जननांगों का विकास पहले होता है, मादा जननांगों का विकास बाद में होता है। नर जननांगों का विकास पहले हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसमें नर परागण एकत्रित करते हैं। कुछ दिनों बाद जैसे ही मादा का विकास हो जाएगा तो मादा जननांगों में उसको रुई के पोहे या डस्टर मशीन के द्वारा उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है, जिससे उसमें परागण पूर्ण होता है, निषेचन की क्रिया होती है, फल विकास होना, फल का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, फल बनना स्टार्ट हो जाता है। अब फल विकास की भी कुल चार अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था है गंडोरा अवस्था या कीमरी अवस्था, जिसमें फल हरे रंग के रहेंगे, कच्चे रहेंगे और कठोर रहेंगे, दबाने पर वो हार्ड रहेंगे। डोका अवस्था, जिसको खलल भी कहा जाता है, पूर्ण विकसित हो जाएंगे फल और पीले या लाल रंग के होने लग जाएंगे। तीसरी अवस्था है डेंग अवस्था, रुतब बोलते हैं जिसको, इसमें फलों का जो शीर्ष भाग है वो कोमल होना स्टार्ट हो जाता है, मुलायम होना स्टार्ट हो जाता है। चौथी अवस्था है पिंड अवस्था, जिसको तमर बोलते हैं, पूर्ण मुलायम अवस्था होती है, पूर्णतया पिलपिला हो जाता है फल, ठीक है। ये था इसमें पुष्पन व फलन। देखो फलन कितने दिनों बाद, एक इंपॉर्टेंट लगा के लिखना है कि राजस्थान में खजूर की कौन सी अवस्था की तुड़ाई की जाती है। तो राजस्थान में जो तुड़ाई की जाती है, राजस्थान में इंपॉर्टेंट लगा कि अलग से लिखना है, राजस्थान में डोका अवस्था पर तुड़ाई करते हैं। राजस्थान में किस अवस्था पर तुड़ाई करते हैं, डोका अवस्था पर तुड़ाई करते हैं। डोका अवस्था पर तुड़ाई इसलिए की जाती है क्योंकि
इससे पहले की जो अवस्था होती है उस टाइम में राजस्थान में वर्षा ऋतु का टाइम होता है, जुलाई अगस्त में आती है। तो जुलाई अगस्त में आती है उस टाइम में यदि अपन तुड़ाई कर लें तो खजूर में कई प्रकार के रोग कीट होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अपन उसमें उसके बाद इसकी तुड़ाई करते हैं, उस टाइम में डोका अवस्था आ जाती है, डोका अवस्था पर इसकी तुड़ाई कर ली जाती है। तो सबसे बेस्ट जो अवस्था है वो कौन सी है? डोका अवस्था। ध्यान में रखना इसको, अलग से इम्पोर्टेंट लगा के लिख लेना इसको, राजस्थान में खजूर की डोका अवस्था पर तुड़ाई की जाती है, डोका अवस्था कोई काम में लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन में अपन इसके इससे जुड़े हुए आगे के जो भी पॉइंट है, पौध संरक्षण है, इसकी तुड़ाई कैसे करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में चर्चा अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस सेशन में बस इतना ही। सो थैंक यू।